वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एवन एजुकेशनल अब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस मैथ की क्लास में हम सुपर टॉप आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप यूपीटीटी एसटीटी या आप सीटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वीडियो में बढ़ते हैं। 20, 8, 5, 0, 7, 10 की माध्यिका आपको बतानी है। अब आपको ये आता होगा क्वेश्चन, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो एक सेकेंड में आप आंसर ला सकते हैं उससे। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो 0 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 7, 8, 10 और फिर 20। अब आपको कुछ नहीं करना है, n/2, n+1 कुछ नहीं करना है। सीधे क्या है, 2 इधर से छोड़िए, पदों की संख्या इसमें सम है, तो क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ दीजिए पद और 2 इधर से छोड़ दीजिए। बीच के आपके जो पद बचे 7 + 8, इनको जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी 15 का आप हाफ करेंगे तो आपका 7.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है। अगर इसी में पदों की संख्या विषम होती तो बराबर बराबर छोड़ देते और एक जो बचता वही आपकी माध्यिका हो जाती, उसमें आधा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है 10, 20, 50, 70, 40 और 60 का परास बताइए। तो दोस्तों परास आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, सीधे आपको सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटा देनी है। देख के आपको इसमें 70 से आप 10 घटाएंगे, आपका 60 बचेगा और यही आपका परास या आपका रेंज या परिसर, एक ही बात है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है आपका, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो हम दोस्तों जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो इस बात को जान लीजिए, किसी भी आपका कोई भी नंबर लिखा हो और उसकी पावर 0 हो, फिर आप वो नंबर चाहे जो भी हो आपका, जैसे 5 की पावर 0 हो या आपकी 8 की पावर 0, सबकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से 2 की पावर 1, आपका 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 हो गई। 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, और आपका 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 लिख सकते हैं। तो अब इन सबको जोड़ लीजिए, 8 × 4 = 12, 2 = 14, 1 = 15, आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 15 आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 560 को ए और बी में 9:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए और बी की पूंजी का अंतर आपको बताना है। तो आपकी पूंजी कितनी है, 560 है, ए और बी में अनुपात कितना, 9:5 है, तो यहां से 9 और 5 को जोड़ लीजिए और इधर 560 को रखिए। अब 9, 5, 14 आपका हो गया, 14 लिख लीजिए, 560 इधर लिखिए, 14, 14 की वैल्यू 560 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, 14 × 4 = 56 और 0 आपका उतार देंगे। 40 1 की वैल्यू हो गई। अब इस 40 का क्या करना है, अनुपात में बारी बारी से गुणा कर देना है। 40 का 9 में गुणा करेंगे तो आप 4×9 = 36 यानी 360 हो जाएगा, और 40 की 5 में करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी ए की आपकी पूंजी 360 और बी की 200 आ गई, इनका अंतर पूछ रहा है, तो बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए माइनस लगा के, 360 से 200 माइनस करेंगे, आपका 160 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो रोज आपका रात 8 बजे अपलोड होता है वीडियो, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। बड़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी संख्या के 40% में आपको 12 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, तो आपको मूल संख्या बतानी है। तो अगर हम संख्या को दोस्तों x मान लें, तो x के 40% में यानी x × 40/100 लिख सकते हैं, इसमें आपका वही आपका 12 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। तो देख लीजिए क्वेश्चन जो कह रहा है वही बना लीजिए। अब इधर से क्या करना है आपको,
अब आपको करना है 40x आपका हो जाएगा और प्लस इसकी 100 की और 12 की गुणा करेंगे तो आपका 1200 हो जाएगा, बटा 100 आप लिख लीजिए अभी इधर x। अब 40x ये हो गया और प्लस 1200 आपका हो गया और इधर x और 100 गुणा करेगा तो 100x आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां अब देखिएगा 40 को इधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। 100x से 40x माइनस होगा इधर जाके तो 60x बराबर 1200, तो 60x बराबर आप लिखिए 1200 और अब काट दीजिए 0 0 कैंसिल, 6 2 12 और 0x बराबर आपका कितना आ गया, 20 आ गया और ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको सिर्फ देखना है, शुरू में क्वेश्चन को पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ए की आय बी की आय से कितना कम है, बी से 20% कम, तो इस कम को जरूर पढ़िएगा और इस कम को पढ़ के आपको फार्मूला क्या लगाना, 100R/100 माइनस आर, अगर ऊपर अधिक हो तो नीचे प्लस कर देंगे, 100 प्लस आर रहेगा, अगर कम है तो माइनस आर रहेगा। तो आपको 100 ऐसे लिखना, आर का मान 20 दिया है लिख लीजिए और 100 माइनस आर, 100 से 20 माइनस करेंगे 80 लिखेंगे, यहाँ से आप 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 4 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 25 बार में कट जाएगा और ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, 25% इसका सही आंसर होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 3 की पावर 99 में इकाई का अंक बताना है, यानी यूनिट डिजिट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक सेकंड में दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 99 है तो इस पावर को यानी 99 को 4 से डिवाइड कीजिए। आपसे जब भी पूछेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से करिए आप, 4 2 आपका 8 हो गया, 1 बच गया, ठीक है 19 हो गया, तो आपको अब 4 4 16 लगाना है, तो इसे नहीं लिखना है, रिमाइंडर जितना बचा है उसे लिखना है, यानी 16 हो गया 16 हो गया तो 3 रिमाइंडर बचा, 4 से इसे भाग करेंगे 99 को तो 3 रिमाइंडर बचेगा और 3 ये जो शेष बचा उसे आधार पे कौन सा अंक है आपका 3 है और रिमाइंडर भी 3 आया, यानी शेष आपका 3 आया। अब 3 की पावर 3 को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, 3 3 9 27, तो अब 2 से मुझे मतलब नहीं, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7 हो गया और बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या में 36 से भाग देने पर 31 शेष बचता है तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो पहली संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, दूसरी वाली संख्या को भाग दे देना है आपकी तीसरी संख्या से, यानी आपका जो लास्ट वाली संख्या है। 31 को 12 से भाग दीजिए तो 12 दूनी आपका 24 हो गया और 7 आपका कितना शेष बच गया, ऑप्शन आपका सी वाला सही हो गया, यानी सी ऑप्शन में आपका 7 है। 31 को 12 से भाग देंगे तो 7 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, आपसे फिर रूबरू होंगे नई ट्रिक के साथ दोस्तों।